नमस्कार दोस्तों, आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल डिजिटल खेती में। और आज हम बात करेंगे जुताई के एक कृषि यंत्र के बारे में जिसे रोटावेटर कहते हैं। उसकी जुताई लागत, उस पर मिलने वाले अनुदान, इन सब के बारे में आज हम यहाँ बात करेंगे। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। तो इस तरह से सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करके अपना सहयोग बनाए रखें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये कृषि यंत्र रोटावेटर है जो जुताई के काम में आता है। इसके द्वारा जुताई करके खेत को बहुत ही कम समय में तैयार कर लिया जाता है। जैसे गेहूं वगैरह जब कटता है तो उसके बाद अगर खेत में हल्की नमी है तो इससे आप डायरेक्ट जुताई कर सकते हैं। और अगर थोड़े दिनों बाद जुताई करते हैं, यानी जब नमी नहीं है, तो पहले जो सामान्य कल्टीवेटर रहता है उससे जुताई करें और उसके बाद इससे जुताई करेंगे तो जुताई बहुत अच्छी होगी और जो गेहूं का कूड़ा करकट है वो पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। और इससे जुताई करने का फ़ायदा ये है कि इसमें खेत में ढेले नहीं पड़ते हैं, तो आप जब अगली फसल की तैयारी करेंगे तो बहुत जल्दी खेत तैयार करके बुवाई आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जुताई करने के काम में आने वाला यंत्र है। अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत रहती है लगभग 1,10,000 रुपये और इस पर जो अनुदान मिलता है वो 44,000 रुपये मिलता है। अभी जो अनुदान चल रहा है वो लघु और सीमांत किसानों के लिए चल रहा है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। तो उन किसानों को अगर वो रोटावेटर ख़रीदते हैं तो उनको 44,000 रुपये की छूट मिलेगी। ये जो छूट है वो मध्य प्रदेश स्टेट में है, लेकिन ये योजनाएं सभी स्टेटों में चल रही है। तो आप अपने ज़िले में कृषि विभाग में जाके संपर्क कर सकते हैं। और अगर कोई किसान इसको किराए पे लेके अपने खेत की जुताई करवाना चाहता है तो इसका जो किराया लगता है वो 1,000 रुपये प्रति घंटा लगता है और 1 घंटे में लगभग 1.5 से 2 बीघा ज़मीन तक जोत सकते हैं, यानी कि 1 एकड़ या 1.25 एकड़ ज़मीन को आप आराम से इससे जोत सकते हैं। इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है कि ये जो पत्थर वाली जो ज़मीन रहती है, जिस ज़मीन में पत्थर कंकड़ आदि रहते हैं, उस ज़मीन में इसको इस्तेमाल करने में दिक्कत होती है या ये इस्तेमाल नहीं कर सकते ऐसी ज़मीन में। लेकिन जो सामान्य ज़मीन रहती है जिसमें केवल मिट्टी रहती है, उस मिट्टी में जुताई करने के लिए ये बहुत ही अच्छा यंत्र है जिससे आप बड़ी आसानी से जुताई कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, एक आपको महत्वपूर्ण सूचना देनी थी। अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, मध्य प्रदेश के किसान हैं, तो वहाँ पे आपको स्वचालित राइस ट्रांसप्लांटर, 4 कतार वाला रिजबेड प्लांटर, रिजबेड प्लांटर विद इंक्लाइंड प्लेट एंड सेपर, और जो सीड ड्रिल मशीन आती है, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन, 0 टीलेज सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, सीड ड्रिल, रोटावेटर या रिवर्सिबल हाइड्रोलिक प्लाउ और हैप्पी सीडर, इन सभी कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ लेने के लिए जो आवेदन होंगे वो दिनांक 24 जून 2019 समय दोपहर 12 बजे से होंगे। और दूसरा, हम ट्रैक्टर की बात करते हैं, तो ट्रैक्टर में अगर कोई खरीद कर अनुदान लेना चाहता है तो ट्रैक्टर में अनुदान का लाभ लेने के लिए जो आवेदन होंगे वो 25 जून 2019 से दोपहर 12 बजे से होंगे। तो इन यंत्रों पे अनुदान का लाभ लेने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ये योजना केवल मध्य प्रदेश के लिए है और इसकी जो वेबसाइट है जिस पे इस योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन किया जाता है वो आपको नीचे या तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी या फिर आपको वीडियो के साथ मिल जाएगी। और मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसकी जो लिंक है वो या तो आपको इस वीडियो में आई का जो निशान आ रहा है ऊपर वहाँ मिलेगी या वीडियो के अंत में लिंक मिल जाएगी, तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं कि इसकी वेबसाइट कौन सी है जिस पर आवेदन करना है। सामान्य आपको आपके कागज़ लेके जाने हैं और जो आपके ज़िले में या तहसील में जो MP ऑनलाइन वाले रहते हैं उनको मालूम है कौन सी वेबसाइट पर आवेदन करना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जिस
आदमी के नाम पे जमीन है, जिस किसान के नाम पे जमीन है वही आवेदन कर सकता है, क्योंकि उसका अंगूठा लगेगा आवेदन करते टाइम, तो उसी किसान को जाना है आवेदन करने के लिए। तो आप आवेदन करके इनका लाभ ले सकते हैं। तो सभी किसान भाइयों को धन्यवाद, और देखते रहिए हमारा डिजिटल खेती चैनल। धन्यवाद।